ओम शांति आज 31 जनवरी 2022। आज की साकार मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता हर कार्य में जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर परिस्थिति जो हमारे सामने आती है उसमें अपने मन की स्थिति को शांत शीतल बनाए रखना ही स्थिरता है अनेक परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन अगर वो बाहर की परिस्थिति में जो हलचल है अगर हमारे मन की स्थिति में भी हलचल पैदा कर रही है तो वो ही क्रिएट करती है विभिन्न परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति में भी मन की स्थिति को हलचल में न आने देना ही सरता है जैसे एक बार गांधी जी समुद्र यात्रा कर रहे थे जहाज़ पर बैठे हुए थे और बाहर कुर्सी रख कर के अपनी किताब को पढ़ रहे थे और किताब के पन्ने काफ़ी तेज़ हवा होने के कारण उड़ भी रहे थे उसी जहाज पर एक अंग्रेज़ भी था जो गांधी जी को बिल्कुल लाइक नहीं करता था उसने सोचा आज मैं गांधी जी को परेशान करता हूँ उसने कुछ कागज़ लिए और उस पर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिखी बहुत बुरी बातें लिखी और उन बातों को कागज़ में लिख करके उसे पिन करके गांधी जी के पास जाकर उन्हें दे दी और दूर बैठकर देखने लगा गांधी जी का रिएक्शन क्या होगा उसको पढ़ते हुए देख कर तो वो देख रहा था वहाँ से दूर से गांधी जी ने सारे पन्ने पढ़े फिर खड़े हुए और उस अंग्रेज के पास गए और उस कागज पर लगी हुई पिन को निकाला और कहा थैंक यू वेरी मच मुझे इस पिन की बहुत जरूरत थी जो किताब में पढ़ रहा था वो तेज़ हवा के कारण उसके कागज बहुत उड़ रहे थे इसकी मुझे जरूरत थी आपने मुझे ये दी उसके लिए बहुत धन्यवाद बाकी जो आपने ये कागज़ दिए हैं इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसे आप वापस रख सकते हैं तो कहने का भाव कि डिफिकल्ट परिस्थिति के अंदर भी अपनी मन को स्थिर बनाए रखकर उन्होंने परिस्थिति को बदल दिया क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और कई बार क्रोध में आकर के किए गए डिसीशंस कर्म हमें जिंदगी भर पश्चाताप का अनुभव कराते हैं ऐसी स्थिति निर्माण कर देते हैं इसीलिए अपनी मन की स्थिरता को बनाए रखें विपरीत परिस्थितियों में तुरंत रिएक्ट न करें हम क्रोध हमें हमारी आंतरिक शक्तियों को खत्म कर देता है विवेक शून्य कर देता है पॉज ले रीथिंक करें और रिस्पोंड करना सीखें हम और जितना हम ये प्रैक्टिस में लाएंगे उतना हमारी इनर स्टेबिलिटी से हम परिस्थितियों को भी बदल देंगे तो आज सारा दिन में पॉज लेकर के रिस्पोंड करें आज के दिवस की ये शुभकामना Om Shanti。